वारी है, कलाकार वारी वारी की से अपनी अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। जिकड़ी भजनों का रंगारंग कार्यक्रम आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। ऑडियो व वीडियो की छाया प्रति दे रहे हैं वह देशवाल डीजे साउंड कठुमर अलवर राजस्थान से ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे बड़े भाई मुकेश जी जेंगारा किरावली आगरा से। आपके समक्ष में ये छोटा सा कलाकार नीरज शर्मा जगनेर से, सुनिएगा कैसे है? पासे और भैया तो ये होए गोना आत्म। समय बहुत कम है, आज भगवान कृष्ण गालिवरिस को तरवाचा दे देते हैं कि आज से तीसरे दिन उस दुष्ट की मृत्यु निश्चित है। लेकिन वो चित्रसेन एक बनी से गुजर रहा था, चित्रसेन ने देवर्षि से ऐसे वचन उचारे हैं, अरे हाल चाल बतला दो स्वामी कैसे दिना। सो पढ़ के आज खोल दे बनवर ये मेरे कर्मन का लेखा, और क्या कहे हाथ की, मेरी हाथ की रेखाओं को देखिए, बताइए मेरे दिन कैसे चल रहे हैं। एकदम से देवर्षि नारद को हंसी आ गई, कहने लगे मैंने तो तुम्हारी हस्तरेखाएं पढ़ ली, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। मृत्यु का नाम सुना, पैरों तले जमीन खिसक गई। देवर्षि नारद कहने लगे, समझ आ रहे हैं, वैसे तेरे प्राण बचे ना और तू पहुंच गंग पे जैया रे, अरे भील के लकड़ी अपने हाथ अपनी चिता। सो मैं संग सुभद्रा लेके आऊं, संग सुभद्रा लेके आऊं और बात बता रहे दिल की, तू रो जइयो देखे, मैं रानी सुभद्रा को लेकर के आऊंगा, जैसे ही तुझे रानी सुभद्रा दिखाई दे एकदम से दहाड़े मार करके रो जाना। आज वही काम किया, इधर में चित्रसेन पहुंच गया गंगा के किनारे और देवर्षि नारद आ गए रानी सुभद्रा के पास में। भैया मुकेश क्या कह रहे हैं सुनिए। अरे सही सुभद्रा और रानी और कोई दुनिया पर भी
अरे दुनिया पर भी और लेत गंग का सो बह रहे निर्मल रानी। अरे बहरा निर्मल पानी रे भाई बहरा निर्मल पानी ये दुनिया पर भी लेत गंग को बहरा निर्मल पानी आज जवाब दे रहे। अरे गम के घूट सबर के प्याले अरे गम के घूट सबर के प्याले आंख मीच पीना चाहिए अरे गम के घूट सबर के प्याले आंख मीच पीना चाहिए और है आफत का नाम जिंदगी हंस हंस के जीना चाहिए गोरी हो बदकार नार से काली काली सच्ची हो अरे गोरी हो बदकार नार से और काली काली सच्ची हो ये गरीब घर की बच्ची हो पर को सुना जवाब दे रही है चौक में सुनिएगा रानी सुभद्रा क्या कह रही है। अभाव सुनिएगा छोटा सा गाना और गाना भी क्या सुनिएगा कोशिश करिएगा समझने की। अरे जय कर दे हाल फजीता है और पहले तो बादर
अरे पहले तो बादर फाड़ दिए फिर पीछे बन गई सीता। के कभूप की नारी सलोना और अपनी हट पे आई है, ये राजा हट और बालक हट पर त्रिया हट दुख। समझिएगा कारण क्या था। इधर में राजा के जो कोक शास्त्र की विद्या पढ़े हुए थे, लेकिन उनको इस बात का श्राप था अगर इस विद्या के बारे में वो किसी को बताते हैं तो राजा पत्थर के हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ, आज राजा अपने सैन्य कक्ष में बैठे हुए हैं, रानी सलोना उनके लिए भोजन बना के लाई, सामने से चली आ रही हैं। दो चींटी आपस में बात कर रही हैं। एक चींटी कह रही है, बहन अगर इस थाली में से मुझे एक छोटा सा निवाला मिल जाए तो मेरा ये पेट भर जाए। दूसरी चींटी कह रही है, बहन हालत तो कुछ मेरी हुई ऐसी है। जब दोनों की बातें सुनी तो राजा केक को हंसी आ गई। जब राजा केक को हंसी आई तो रानी पूछने लगी, कहने लगी, पिया स्वामी या तो मेरे श्रृंगार में कोई कमी है। उनकी, नहीं रानी ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात नहीं है तो आप हंसे क्यों, ऐसा तो नहीं कहीं मेरे भोजन में कोई कमी हो। नहीं रानी, भोजन में भी कोई कमी नहीं है। तो फिर न्यो बता तुम्हें हंसे क्यों। अब राजा सोच में पड़ गए, अगर बताऊं तो मैं मरा और अगर नहीं बताया तो ये भूआ सास जाने कहां करेगी। अब सोच में पड़ गए राजा, लेकिन सुनिएगा हुआ क्या। जब
दोनों की बात है, राजा केक सुनते हैं, सोचने लगे ये तो जानवर है, जानवर जो इतनी सभ्यता इतनी शिक्षित बात कर रहा है, मैं तो फिर भी एक मनुष्य हूं, भूल गया। राजा सोचे मन अपने, पशु भी हमसे ज्ञानी है, ये राजा सोचे मन अपने, ये पशु भी हमसे ज्ञानी है। अरे ऐसी रानी बेहा समझो नाया खिन में, क्यों अरे या रानी के ऊपर हमने मरवे तक की, क्या किया ये कोड़ा चार दिए रानी ने तनक न करी, अरे कोड़ा चार दिए रानी में तनक न करी गिलानी, और हरी कहे नानू को फिर क्या बात है, अरे हरी कहे नानू को फिर फटका।